नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं पीकेएल सीजन 10 का मैच नंबर 122 जो खेला जाएगा हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में। इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा लेग का मुकाबला होगा और यहाँ पे हरियाणा के पास अच्छे खासे एज होंगे। इंजरी कंसर्न्स को लेके बात कर लेंगे तो इनके स्टार रेडर सचिन तनवर पिछले मैच में हुए थे इंजर्ड, हो सकता है उनको इस मैच में रेस्ट दिया जाए। ऑलरेडी पटना पायरेट्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है तो ये अपनी टीम में कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है। वही हरियाणा स्टीलर्स अभी भी क्वालिफाई नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सिक्स टीम क्वालिफाई हरियाणा ही करेंगी, लेकिन इनको अपने लेग में अच्छा करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छा नहीं करेंगे तो कहाँ पर करेंगे। वैसे टीम बैलेंस है, बस रेडिंग में काम करने हैं। डिफेंडर वन ऑफ द बेस्ट है आफ्टर पुनेरी पल्टन। और दोस्तों, पीआर फैमिली ने ना सिर्फ स्मॉल लीग मिनी जीएल में भी टॉप रैंक दी है, लगातार हम लोगों ने लास्ट के दो दिन में भी जीएल में अच्छे रैंक दिए हुए हैं। उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा तेलुगु वर्सेस बंगाल वाले मैच में हम लोगों ने जीएल में एक रैंक दिया हुआ था, हरियाणा वर्सेस तमिल तलेबाज वाले मैच में हम लोगों ने जीएल में एक रैंक दिया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे हरियाणा वर्सेस जयपुर वाले मैच में हम लोगों ने जीएल में एक रैंक दिया था, देन आफ्टर यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल तलेबाज वाले मैच में हम लोगों ने मेगा जीएल में रैंक वन दिया था। तो इस मैच में कैसे आपको जीएल में रैंक वन लाना है उसको लेके भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। और दोस्तों, स्टार्टिंग सेवन आने के बाद अगर हमारे टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हो जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आइए हम मैच के ऊपर ध्यान देते हैं। तो दोनों टीम आमने सामने आई है 10 बार, जहां पे 4 बार जीती है हरियाणा स्टीलर्स, 5 बार जीती है पटना पायरेट्स, एक दफा मुकाबला रहा है टाई। अगर हम बात करेंगे इस सीजन जब दोनों टीम आमने सामने आई थी तो क्या हुआ था, हरियाणा के थे 33 पॉइंट्स, पटना के थे 46 पॉइंट। बेस्ट पिक बेस्ट ऑन हेड टू हेड कृष्ण डुल, सिद्धार्थ देसाई, अंकित और मोहित नांदल। पटना पायरेट्स का पीकेएल सीजन 10 में अगर हम देखेंगे प्रदर्शन तो टोटल मुकाबला खेली है 21, 11 जीती है, 7 हारी है और यहाँ पे जो है बाकी के मुकाबले टाई खेल के आ रही हैं। पटना लास्ट मैच में तेलुगु टाइटंस को फेंटी दे के आ रही हैं, जहाँ पे 21 इनके रेड पॉइंट थे, 0 सुपर डेड, 11 टैकल पॉइंट, 4 ऑल आउट पॉइंट, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट। इस मैच में मनजीत एज एन सब्स्टिट्यूट आके बेहतरीन खेले थे, 6 रेड टच, 1 टैकल, 1 बोनस, संदीप कुमार 7 यहाँ पे रेड टच, सचिन 5 रेड टच, उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, कृष्ण डुल 4 टैकल, मयूर कदम 3 टैकल, एम सुधाकर 3 बोनस, अंकित जागलान 2 टैकल, इसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकती है, आपको दिख जाएंगे मयूर कदम के साथ कौन, सचिन तनवर। लेकिन सचिन तनवर का अभी तक जो है मुझे लग रहा है कि कोई भी फिटनेस को लेकर जानकारी नहीं आई है, जैसे ही निकलती मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। अगर खेलते हैं तो राइट रेडर होंगे, राइट कवर पे मयूर कदम, बाबू एम लेफ्ट कवर, एम सुधाकर को शायद स्टार्टिंग सेवन में मौका मिले भी तो ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो सामने वाली टीम है ना उनकी लेफ्ट की डिफेंस काफी स्ट्रांग है, जहां पे आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर पे आपको दिखेंगे राहुल सतपाल, लेफ्ट कॉर्नर पे जयदीप और आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे कौन खेलते हुए, मोहित खेलर है। अब उसके अलावा आपको दिख जाएंगे संदीप राइट रेडर, किशन गुल आपको दिखेंगे खेलते हुए राइट कॉर्नर पे और अंकित दिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। अगर हम ध्यान से देखेंगे इनके सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आपको दिख जाएंगे मंजीत जो हो सकते हैं स्टार्टिंग सेवन में आ जाएं, फिट्टी युवराज, अर्पित, रोहित, मनीष, डेनियल और यहाँ पे संजय। पटना पायरेट्स के प्लेयर का पीकेएल सीजन 10 में किसका क्या प्रदर्शन है वो अब आपके सामने है। कृष्ण डुल 21 मैच में 70 पॉइंट निकाले हैं, 47% टैकल इनका सक्सेसफुल है। सचिन तनवर 20 मैच में 170 पॉइंट्स निकाले हैं, जहां पे 47% रेड और यहां पे 81% टैकल इनका सक्सेसफुल है। मयूर कदम 7 मैच में 22 पॉइंट निकाले हैं, 54% टैकल इनका सक्सेसफुल है। एम सुधाकर 17 मैच में 96 पॉइंट निकाले हैं, 58% डेड और 33% टैकल सक्सेसफुल है, टैकल के ऊपर ध्यान मत देना। बाबू एम 7 मैच में 10 पॉइंट निकाले हैं, 37% टैकल इनका सक्सेसफुल है। संदीप 18 मैच में 79 पॉइंट निकाले हैं, 55% डेड इनका सक्सेसफुल है। अंकित 21 मैच में 64 पॉइंट निकाले हैं और 50% टैकल इनका सक्सेसफुल है। बात आती है हरियाणा स्टीलर्स की, तो हरियाणा स्टीलर्स की प्रदर्शन पीकेएल सीजन 10 में 18 मुकाबला खेली है,
11 जीती है, 6 मुकाबला हारी है। अगर हम बात करेंगे हरियाणा के लास्ट मैच को लेके, 50 पॉइंट लाए थे, जहां पे 28 रेड पॉइंट, 1 सुपर रेड, 15 टैकल पॉइंट, 6 ऑल आउट पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। इस मैच में शिवम पात्रे 9 रेड टच 3 बोनस, विनय 8 रेड टच 2 बोनस, सिद्धार्थ देसाई 3 रेड टच 2 बोनस, मोहित 4 टैकल 1 सुपर टैकल, जयदीप 3 टैकल, मोहित खेलर 3 टैकल, राहुल सेतपाल 2 टैकल, एज एन सब्स्टिट्यूट आए हुए थे आशीष, उन्होंने 1 रेड टच 1 टैकल निकाला था। एज एन सब्स्टिट्यूट आए थे नवीन कुंडू, उन्होंने 1 टैकल निकाला हुआ था। हरियाणा स्टीलर्स की अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग 7 को लेके, आपको दिख जाएंगे सिद्धार्थ देसाई लेफ्ट रेडर, उसके अलावा मोहित नांदल राइट कवर पे, जयदीप लेफ्ट कवर पे, शिवम पात्रे लेफ्ट रेडर, विनय आपको दिखेंगे राइट रेडर, राहुल सतपाल राइट कॉर्नर, मोहित लेफ्ट कॉर्नर। अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट में, आपको दिख जाएंगे नवीन कुंडू, सनी सेरावत, आशीष जी मागर, के प्रपंजन, रविंद्र चौहान और तेजस पाटिल। ध्यान से देखेंगे अब हम हरियाणा स्टीलर्स के प्लेयर का पीकेएल सीजन 10 में प्रदर्शन किसका क्या है। पहला नाम आएगा राहुल सतपाल, 18 मैच में 57 पॉइंट निकाले हैं, 66% टैकल इनका सक्सेसफुल है। सिद्धार्थ देसाई 14 मैच में 66 पॉइंट निकाले हैं, 57% रेड इनका सक्सेसफुल है। मोहित नांदल 18 मैच में 60 पॉइंट निकाले हैं, 17% रेड और 50% टैकल इनका सक्सेसफुल है, लेकिन आप रेडिंग के ऊपर ध्यान मत देना। विनय 18 मैच में 130 पॉइंट निकाले हैं, 44% रेड और 17% टैकल इनका सक्सेसफुल है। जयदीप दहिया 18 मैच में 55 पॉइंट निकाले हैं, 52% टैकल इनका सक्सेसफुल है। शिवम पात्रे 17 मैच में 90 पॉइंट निकाले हैं, 66% रेड इनका सक्सेसफुल है, टैकल के ऊपर अधिक ध्यान मत देना। मोहित खेलर 17 मैच में 35 पॉइंट निकाले हुए हैं, 42% टैकल इनका सक्सेसफुल है। बेस्ट कैप्टन वीसी का मटेरियल कौन कौन हो सकते हैं? आपके लिए हो सकते हैं अंकित, मोहित नांदल, कृष्ण ढुल और रिस्क टेकर के लिए बड़े वाले जीएल में सिद्धार्थ देसाई, ऐसा नाम जो एक वक्त सबकी कैप्टन हुआ करते थे। लेकिन बात और है कि एक वक्त में और अभी वाले वक्त में अंतर चल रहा है। अभी सिद्धार्थ देसाई को लोग लेते हैं तो क्रेडिट मेंटेन के लिए, या फिर इस वजह से कि भाई चलो एक सिद्धार्थ देसाई को लेने से अगर हम इमेज मैच में सिद्धार्थ देसाई का उलटफेर वाला प्रदर्शन देख लें तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। सेफ के तौर पर सिद्धार्थ देसाई को आजकल कोई नहीं ले रहा, यही दिन है भाई साहब, यही वक्त होती है जब आप पीक पे होते हो, आप अपने टाइम का जो है वो वैल्यू नहीं समझ पाते हो, उन्हें इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, इनके कोच साहब भाई साहब, उनका जितना मनप्रीत बाजी का तारीफ करूं उतना कम, उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया। मुझे अभी भी याद है इस सीजन का पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स पटना पायरेट्स या फिर किसी टीम के साथ वन साइडेड हार के आ रही थी, जहां पे सामने वाली टीम को 50 प्लस पॉइंट थे और इनको 28-29 के आसपास पॉइंट था, आई थिंक पटना पायरेट्स ही वो टीम थी। सब कह रहे थे कि वैसे हरियाणा की टीम बिखर गई है, अच्छी नहीं खेलने वाली है। मैंने सेकंड वीडियो जब हरियाणा का बनाया हुआ था, मैंने कहा था ये टीम मुझे एकजुट दिख रही है, हैली डिफेंस अटैकिंग टीम है, उसके अलावा रेडिंग भी ठीक ठाक है। एस पात्रे को मैंने लेके स्टार्ट ऑफ द सीजन ही बोला था, इस प्लेयर से मुझे उम्मीद है, विनय से मैंने आपको पहले ही बोल दिया था उम्मीद है, हाँ मैंने एस देसाई से भी उम्मीद जताई थी, लेकिन उम्मीद पे ये खरा नहीं उतरे, उम्मीद है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैच पे जानेंगे कौन सा रेडर कौन सा डिफेंडर आपके लिए क्वालिटी वाले पिक होंगे, किस डिफेंडर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनेंगे टैकल करने का। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पटना पायरेट्स के रेडर किस डिफेंस के पास जाने वाली है हरियाणा स्टीलर्स का। एक बात का ध्यान रखना है, क्या फिर से पटना पायरेट्स एम सुधाकर को मौका देंगी? मुझसे पूछोगे तो अगर सचिन फिट होंगी तो एम सुधाकर को मौका नहीं देंगी, क्योंकि सामने लेफ्ट की डिफेंस मजबूत है, इसका कते मतलब ये नहीं है कि राइट की डिफेंस कमजोर है। एम सुधाकर खेलेंगी तो हमारे टीम में आपको फिर फेरबदल देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हरियाणा के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे मोहित खेलर एम के, फिर अगर हम बात कर लेंगे इनके राइट कवर पे आपको दिख जाएंगे मोहित नांदल एम एन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे राहुल सतपाल आर एस, फिर हम बात कर लेंगे आर एस, याद आ गया ना, अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा लेफ्ट कॉर्नर पे कौन खेलते दिखेंगे, आपको दिख जाएंगे यहाँ खेलते हुए जयदीप दहिया, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आशीष को ये लोग मौका देते हैं तो वो दिखेंगे आपको खेलते हुए कहाँ पे, वो दिखेंगे राइट इन पे, ठीक है, वो भी डिफेंस में एक्टिव होते हैं। सामने वाली टीम में सचिन तनवर, फिर आपको दिख जाएंगे मनजीत दहिया, फिर संदीप कुमार, उसके अलावा रोहित एक एज एन सब्स्टिट्यूट आके खेल सकते हैं, वो भी सारे जो है वो राइट रेडर होंगे, ठीक है। वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे जो भी होंगे, सचिन हो, मनजीत हो, संदीप हो, रोहित हो, वो जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे मोहित खेलर के पास, राइट कवर मोहित नंदल के पास, फिर जाएंगे ये
राइट कॉर्नर राहुल सतपाल के पास, मतलब जयदीप का रोल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर एम सुधाकर होते हैं स्टार्टिंग सेवन में, वो होंगे लेफ्ट हैंडर, वो जाएंगे आरएस के पास, आरएस बोले तो राहुल सतपाल पोजिशन राइट कॉर्नर, फिर लेफ्ट कवर जयदीप के पास, फिर जाएंगे ये एम के बोले तो मोहित खेलर के पास। उस कंडीशन में जयदीप के पास अपॉर्चुनिटी होगा टैकल करने का, लेकिन अधिकांश जो टैकल करने का अपॉर्चुनिटी होगा वो मोहित खेलर, मोहित नंदन और राहुल सतपाल का। तो हम यहाँ पे समझ गए, जान गए, पढ़ गए कि पटना के रेडर किस डिफेंस के पास जाने वाली है, हरियाणा स्टीलर्स का। अब हम बात करेंगे हरियाणा के रेडर किस डिफेंस के पास जाने वाली है, पटना पैरेट्स का। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पटना पैरेट्स के डिफेंडर का। पहले पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेंगे, कहाँ पे, लेफ्ट कॉर्नर पे कौन दिखेंगे बताओ, बोल लो अंकित, वेरी गुड। फिर राइट कॉर्नर पे आपको कौन दिखेंगे, मयूर कदम। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे केडी बोले तो कृष्ण ढुल, और आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे बाबू एम। क्लियर है। अब अगर हम सामने वाले टीम में बात करेंगे, जो मेन रेडर होंगे वो होंगे विनय, वो राइट के साइड ट्रेडिंग करते हैं, वो जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर अंकित के पास, राइट कवर मयूर कदम के पास, फिर जाएंगे कृष्ण ढुल के पास। क्लियर है। उसके बाद इनके पास जो दो मेन रेडर होंगे, एक सिद्धार्थ देसाई, दूसरा यहाँ पे एस पात्रे। फिर एज एन सब्स्टिट्यूट होंगे कौन, के प्रपंचन। तीनों के तीनों लेफ्ट रेडर होंगे, लेकिन सिद्धार्थ देसाई राइट लेफ्ट दोनों साइड से रेडिंग करते हैं, 80% टाइम करेंगे लेफ्ट के साइड से और 20% टाइम करेंगे राइट के साइड से। तो ये तीनों इधर से जाएंगे किशन ढुल के पास, बाबू एम के पास, फिर जाएंगे यहाँ पे अंकित के पास। इनके पास बेंच पे दो और रेडर होंगे, कौन कौन, एक तो जी मागर, दूसरा आशीष, वो दोनों राइट रेडर हैं, वो जाएंगे अंकित के पास, यहाँ पे मयूर कदम के पास, फिर जाएंगे कृष्ण ढुल के पास। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पटना के सारे डिफेंस के पास अपॉर्चुनिटी होंगे ही, लेकिन ज्यादा होंगे किसके पास, कृष्ण ढुल के पास, अंकित के पास, फिर बाबू एम के पास, फिर मयूर कदम के पास। दोस्तों अब आपके पास सारा स्ट्रेटेजी है, मैट एनालिसिस है, स्टार्टिंग सेवन में क्या फेरबदल हो सकते हैं मैंने वो भी बता दिए। अब आप खुद से भी बेहतरीन फैंटेसी का टीम बना सकते हो। मैंने जो फैंटेसी की टीम बनाई है वो फिलहाल आपके सामने है, जहां पे मैंने अपनी टीम में मोहित नंदन, अंकित, उसके अलावा सचिन तनवर, एस पात्रे को लिया हुआ है। अगर सचिन तनवर फिट नहीं होते हैं तो मैं इनके जगह पे आराम से विनय को लेके चले जाऊंगा। फिर मैंने राहुल सतपाल, किशन ढुल, मोहित खेलर को अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। कैप्टनसी की बात करें तो मैंने अपनी टीम में कैप्टन मोहित नंदन और वीसी यहाँ पे अंकित को दिया हुआ है। आप चाहो तो वीसी यहाँ पे राहुल सतपाल, मोहित खेलर और यहाँ पे एस पात्रे या फिर रिस्क टेकर किशन ढुल को देकर जा सकते हो। अगर पटना पायरेट्स स्टार्टिंग सेवन में संदीप, सचिन तनवर, मनजीत दहिया को लेकर जाती है तो हो सकता है मैं बीसी अपने टीम में लेफ्ट कॉर्नर हरियाणा स्टीलर्स के मोहित खेलर को दे दूं। तो कुछ भी अगर बदलाव करूंगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरे कैप्टन है मोहित नंदन, वीसी है अंकित। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी GLGL जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।